गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड LKG। कल आप लोगों ने अपनी फोर लाइन बुक वाली बुक में स्टैंडिंग लाइन बनाया था। किस वाली बुक में? इस तरह से फोर लाइन की बुक्स थी आपके पास, इसे फोर लाइन आपकी बुक्स में ड्रॉ की थी। कौन सी वाली लाइन थी? फोर लाइन वाली, टॉप रेड लाइन, फर्स्ट ब्लू लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन एंड इन लास्ट बॉटम रेड लाइन। ओके, चलो आज हम अपनी मैथ्स की बुक में स्टैंडिंग लाइन करेंगे। क्या करेंगे? मैथ्स की बुक में स्टैंडिंग लाइन करें। तो वो मैथ्स की बुक कैसी होगी? तो मैथ्स की बुक ऐसी चेक्स वाली होगी। आप लोगों को मैं यहाँ बता सकता, आप सबको यहाँ दिख रहा होगा, ऐसी चेक्स वाली बुक आपके पास होगी। तो उसमें हम अपने स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो स्टैंडिंग लाइन उस चेक्स वाली बुक में कैसे बनाएंगे? तो उसमें हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाना है। फिर आपको उसके नेक्स्ट लाइन में ऐसे दो डॉट्स दिए होंगे, उसकी नेक्स्ट लाइन में ऐसे दो डॉट्स हो गए। तो उस डॉट्स में कैसे स्टैंडिंग लाइन बनाना है? तो उस उन दोनों डॉट को जॉइंट करना है, तो बन जाएगी हमारी स्टैंडिंग लाइन। वापस से उसके बाजू में ऐसे दो डॉट्स दिए होंगे, उसको फिर से जॉइंट करना है, तो बन जाएगी हमारी स्टैंडिंग लाइन। उसी तरह से उसके नीचे लाइन में आपको ब्लैंक्स लाइन दी होगी। तो उस ब्लैंक्स लाइन में आपको किस तरह से स्टैंडिंग लाइन करना है? तो उसी ब्लैंक्स लाइन में आपको स्टैंडिंग लाइन किस तरह से बनाना है? सेंटर में बनाना है। किस तरह बनाना है? एकदम से सेंटर में आपकी स्टैंडिंग लाइन ना तो ऊपर जानी चाहिए ना तो ज्यादा नीचे आनी चाहिए। आप जो स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं वो सेंटर में ही आनी चाहिए। अगर आपकी स्टैंडिंग लाइन ज्यादा ऊपर चली जाती है तो भी आपका काम गलत होगा। अगर आपकी स्टैंडिंग लाइन थोड़ी नीचे चली जाती है तो भी आपका वर्क गलत होगा। इसलिए आपकी स्टैंडिंग लाइन किस तरह से होगी? एकदम से सेंटर में होगी। चलो स्टूडेंट्स, अपनी स्टैंडिंग लाइन अपने बुक्स में लिखना स्टार्ट करो, अच्छी बच्चों की तरह। गुड बाय।